where we have some big news coming in. Big history created in Paris Olympics. Second medal for India in shooting. Manu and Sarabjit win a bronze medal together. Manu wins the second medal in Paris 2024. Manu's scripting history in Paris. In fact, this is the second medal that Manu and Sarabjit both have won collectively. And history being created at the Paris Games. The second medal for India in shooting. Manu and Sarabjit win a bronze medal. This is the second medal for India in Paris Olympics 2024. Abhishek Varma, who is a shooter, joins us on the phone line for a little more in detail on this tango. Abhishek, please give us your sense. Both Manu and Sarabjit have won a second medal for India. ये खेल कैसा है? इसका मतलब challenges बता सकते हैं आप? जी, बहुत ही excellent shooting करी दोनों ने और दोनों ने देश का नाम रोशन किया और ये इतिहास में काफी सालों में पहली बार हुआ है कि एक ही शूटर दो मेडल ओलंपिक्स में जीतता है और काफी गंभीर स्थिति थी ये क्योंकि काफी अच्छा कोरिया भी खेल रहा था बीच में काफी इनको फोकस की फोकस करा इन्होंने अपना और ये काफी सालों की प्रैक्टिस ही है जो इनका मेडिटेशन जो कितने सालों से करते आ रहे हैं ये अपनी मानसिक स्थिति उस समय जो जरूरत थी बरकरार रखी और अच्छा प्रदर्शन किया और एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के खाते में फिर से ले आए हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल है ये कितना मुश्किल है ये गेम में क्या उनको मतलब स्किल क्या चाहिए ऐसे शूटिंग में क्या स्किल चाहिए सबसे ऊपर शूटिंग में सबसे ज्यादा आपकी मेंटल स्थिति बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए अपना एक डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी होती है माइंड की वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और नॉर्मली फिजिकली फिट होना चाहिए और इस समय आप देख सकते हैं जैसे आपने देखा कि वो कैसे अपने आप को शांत रख रहे थे ब्रीदिंग कर रहे थे और फोकस बनाए रख रहे थे तो ये एक दो साल नहीं है काफी सालों की ट्रेनिंग से ही आप आता है तो काफी सालों के ट्रेनिंग आप बोल रहे हो कि जैसे मनु की हमने सुना उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पहले भी जीता है इससे पहले विमेन्स के टीम से 10 मीटर्स विमेन्स राइफल शूटिंग में उसने ब्रॉन्ज जीता है वो 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस करते आए हैं आप सरबजोत के बारे में कुछ बता सकते हो वो भी एक चाइल्ड प्रोडिजी है सरबजोत जब मैं सीनियर टीम में खेलता था मैं पिछले ओलंपिक से पहले वर्ल्ड कप खेला हूँ मैं और एशियन एयरगन चैंपियनशिप में सरबजोत जूनियर खेलता था उस समय तो उस समय मैंने देखा था उसको कंसिस्टेंट था उसने उस समय काफी टाइम नहीं हुआ था उसको लेकिन उस समय भी वो पूरा एक जैसे शूटर होना चाहिए शांत होना चाहिए और काफी फिजिकली नॉर्मली फिट होना चाहिए और काफी अच्छा प्रदर्शन करता था उस टाइम और उसने अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखी और हार्डवर्क करता रहा और रिजल्ट आपके सामने है ये तो इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीते हैं इस कैटेगरी में और दोनों एक साथ जीते हैं बहुत गर्व की बात है जी बिल्कुल बहुत ही गर्व की बात है और हम शूटिंग से ही है और हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है और मनु को तो मैं खुद देखता है मेरी टीममेट रही है और बहुत हार्डवर्क करा उसने और उस हार्डवर्क का ही नतीजा है कि वो दो ओलंपिक के मेडल एक ही बारी में जीते हैं उसने जी ये मिक्स टीम का शूटिंग के बारे में कुछ बताइए और जैसे इन दोनों के केमिस्ट्री के बारे में इनका कोऑर्डिनेशन में कैसा केमिस्ट्री चाहिए एक मेडल जीतने के लिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा चाहिए जी मिक्स टीम में दोनों का ही कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए और दोनों का स्कोर टोटल होके ही रिजल्ट काउंट होता है तो जैसे आपने मैच में भी देखा तो मनु अच्छा कर रही थी सरबजोत का कभी कम नहीं लग रहा था तो मनु का अच्छे स्कोर से वो बराबर हो जाता था कई बार सरबजोत ने अच्छा किया और तो ऐसे दोनों को साथ में ही चलना पड़ता है और एज अ टीम दोनों का स्कोर काउंट होता है कभी एक कम मार देता तो अगले को थोड़ा सा ज्यादा अगर मारता है तो वो बैलेंस हो जाता है तो तालमेल बहुत जरूरी है और साउथ कोरिया के अगेंस्ट उन्होंने जीता है क्या साउथ कोरियन टीम के बारे में कुछ बता सकते हैं सबसे बढ़िया दुनिया का सबसे बढ़िया टीम कौन सा है शूटिंग में
बिल्कुल, चाइना और कोरिया ही शूटिंग की अगर बात करते हैं तो चाइना और कोरिया ही इतने सालों से अपना पलड़ा भारी रखा हुआ है, लेकिन कई साल से आप देख सकते हैं कि इंडिया शूटिंग टीम बहुत ही अच्छा कर रही है और पिछले 2017-18 से लेके अभी तक काफी मैचेस में चाइना और कोरिया से आगे निकल के गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। और अब लेवल ये कह सकते हैं कि इंडिया, चाइना, कोरिया एक बराबर लेवल पे है शूटिंग में इंडिया के मुकाबले। पहले क्या होता था, काफी साल पहले हम चाइना और कोरिया को देखते थे कि वो कैसे खेलते हैं, उनको देख देख कर सीखते थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि चाइना और कोरिया इंडिया को देखता है कि इंडिया क्या नया चीज कर रहा है, कैसे वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है और कैसे वो मेडल जीत पा रहा है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने, गर्व की बात है। बिल्कुल, मनु भाकर ने दूसरा मेडल जीता है शूटिंग में, वो पहली औरत है जो हमारे देश के इतिहास में जो शूटिंग में ओलंपिक मेडल लाई है, तो ये दूसरा मेडल हो गया उसको, तो बहुत ही गर्व की बात है। मगर ये अब ओलंपिक मेडल हम जीते हैं, मगर शूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हिसाब से इंडिया में सही है क्या, कुछ करना चाहिए? शूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे काफी अच्छा होता जा रहा है, जैसे इंडिया में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, ऐसे ही भोपाल में भी एक बहुत ही अच्छी शूटिंग रेंज है जहाँ पे वर्ल्ड कप होता है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाइना की तरह, चाइना में बहुत ही ज्यादा, इंडिया में जैसे अगर 2 या 4 शूटिंग रेंजेज हैं बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की, चाइना में कम से कम 100 रेंजेज हैं जिसपे आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन करा सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शूटिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी और डेवलपमेंट की जरूरत है। और ये दोनों ही शूटर हरियाणा से हैं, और लेकिन हरियाणा की कोई सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है, तो ये दुख की बात है। तो मैं हरियाणा सरकार से भी और भारत सरकार से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि स्पेशली हरियाणा में भी और हर स्टेट में एक सरकारी शूटिंग रेंज जरूर होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम एज वेल। ऑफ कोर्स दिस मोटिवेट्स द शूटिंग कम्युनिटी इन इंडिया। इट्स बीन 14 लॉन्ग इयर्स सिंस इंडिया वन अ मेडल इन शूटिंग एट ऑल, एंड नेवर हैज इट बीन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट अ वुमन हैज वन अ मेडल इन शूटिंग। सो मनु भाकर एंड सरब जोत, बोथ ऑफ देम हैव मेड अस सो प्राउड बाय विनिंग द सेकेंड ओलंपिक मेडल इन शूटिंग। ट्रूली स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री।